नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि गाड़ी को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी और उसकी नाम है प्रिया मैम। आपने रिक्वेस्ट की थी, हमें इंस्टाग्राम पे ऊपर भी की थी और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आपने किए थे चैनल के ऊपर। तो एज ए कंसिडर मैं हमेशा यही बात आपके लिए बताता हूँ, जो भी आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे उसी के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। तो प्रिया मैडम की जो रिक्वेस्ट थी, जब भी वो गाड़ी को निकालना चाहती है अपनी घर के तरफ, मतलब अपनी कॉलोनी के अंदर से जो गाड़ियाँ मौजूद रहती है उसकी राइट एंड लेफ्ट की तरफ, तो उनको दिक्कत आ रही है। तो मैं ये सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बिगिनिंग स्टेज के ऊपर ये सभी के साथ होती है, कॉमन सी प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छे सवाल उन्होंने किए हैं हमारे साथ, तो मैं इनसे इंस्पायर होकर आप सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह होती है, जब भी आपको अपनी गाड़ी को लेके जानी होती है दो कार के बीच में से निकाल के या फिर कोई कंजेस्टेड एरिया के अंदर, तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखी है, दो बाइक्स हमने एक स्कूटीज खड़ी करके उसके अंदर से गाड़ी को निकाले है, तो वैसे ही ठीक आपको निभानी होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए एक बार फिर से बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो पहली बात आती है आपको गौर करने के लिए, आप अपनी गाड़ी की जो डायमेंशन है पूरी तरह से अच्छी तरह से जान लो। वो कह रही थी मैडम, आपने कह रही थी आपके पास जो गाड़ी है स्विफ्ट है, तो लगभग अभी ये जो गाड़ी है टियागो है, टाटा टियागो है, तो लगभग दोनों गाड़ी के विड्थ जो है 19-20 की फ़र्क होती है। ये गाड़ी जो है 5.4 फीट है और वो गाड़ी होती है 5.5 होगी शायद मेरे हिसाब से, आई डोंट नो एग्जैक्ट डायमेंशन। लेकिन आपको कोई भी गाड़ी हो, कितनी भी डायमेंशन हो, एक ही बात आपको याद रखनी होती है, आप अपनी गाड़ी की डायमेंशन को रीड कर लो मन में, रिकॉर्ड कर लो, मेरी गाड़ी की विड्थ जो है 5.5 फीट है या फिर 5.6 फीट है, ठीक है, और मेरी गाड़ी की जो लंबाई है लगभग 11 फीट है या फिर 12 फीट है। आप मन में ये बात ना ब्लॉक कर लो, ठीक है। अगर आप एक बार अपनी गाड़ी की जजमेंट सही करने में लग जाते हो ना, तो कोई भी गाड़ी की जो जजमेंट है, कितना भी विड्थ हो, कितना भी लेंथ हो, आप आराम से जज कर सकते हो, ये बात आप मन में रख लो, ठीक है। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है तो सारी गाड़ियाँ, हैचबैक छोड़िए, आप एसयूवी भी चलाने लगोगे, लग्जूरियस कार भी चलाने लग जाओगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं पहली बात आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ, आपको कैसे आपकी गाड़ी को सेफ फर्स्ट तरीके से निकाल के लेके जानी होती है दो कार के बीच में से। तो यहाँ पर मैं आपके लिए फर्स्ट शो करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की जो बोनेट है अच्छी तरह से जान लो, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर मेरी गाड़ी की जो बोनेट है लगभग यहाँ पर हो जाती है 5.5 फीट, ओके, जान लो, यहाँ से लेके सीधी यहाँ तक आती है, ठीक है। तो आपको अपनी बोनट साइज़ आपको देख लेनी होती है, फर्स्ट थिंग आपको अपनी बोनट की जजमेंट और कितनी विड्थ है आपकी गाड़ी की जो ये जान लेनी होती है, और उसके बाद आती है आपकी गाड़ी की जो लेंथ होती है। तो डोंट वरी, लेंथ आपको यहाँ पर मैटर नहीं करेगी, पहली बात आती है आपको अपनी गाड़ी की विड्थ को जान लेना, विड्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कार जजमेंट, ठीक है। गाड़ी जब भी निकालना चाहता हो ना, तो आप अपनी पिलर्स का भी रेफरेंस मानिए, दोनों पिलर्स का, ठीक है, और हो सके तो सेंटर पॉइंट को भी आप मानते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन कर लेता हूँ। और एक और बात है दोस्तों, आप डरिए मत, जब भी आप गाड़ी को निकालना चाहते हो ना, तो वहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपको डर लगती है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप नीचे उतर लो, उतरने के बाद जांच लो मेरी गाड़ी वहाँ से पास होगी या नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रिस्क भी नहीं उठा सकते हो, क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन है मन में तो आप गाड़ी से उतर जाओ, उतरने के बाद वेरीफाई करो वहाँ से मेरी गाड़ी गुजरेगी या नहीं। बिगिनिंग्स टाइम पे सबके साथ ये होती है, डोंट वरी, आप क्लेवर हो, अगर आप उतर के कन्फर्मेशन करके आगे बढ़ते हो ना, तो आप 100% क्लेवर हो, उसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो डोंट वरी, गो हेड। तो चलिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा लेता हूँ यहाँ पे। चलिए अब मैं चलिए चलते हैं दोस्तों यहाँ से, मैं आपके लिए एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ की कमी लगेगी आपको ज़रूर, क्योंकि आप जानते ही हैं मेरे जो पार्टनर्स है वो लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी ORVMs को फर्स्ट थिंग बाहर डालनी होती है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको चलनी होगी। मेरे से बहुत बहुत काम आते हैं जब आप गाड़ी को निकलते रहते हो कंजेस्टेड एरिया के अंदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सीट बेल्ट भी पहन लेते हैं,
तो चलिए ऑल फिट है। मैं आपके लिए सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कार भी उतनी ही ज़्यादा कड़ी है या नहीं आई डोंट नो। यहाँ पर सिर्फ मैं आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, शायद इस गली के अंदर हमें कार को देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर कार खड़ी हुई है, कार्स बहुत है यहाँ पे, तो ले देखते हैं। तो ये देखिए छोटी सी गली है, इसके अंदर ना आपको सामने से 1 2 3 4 कार देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी पॉइंट यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं ऐसे ही सामने तक चला जाता हूँ ना, तो आप एक यहाँ पर पॉइंट का यूज़ कीजिए, आपने सेंटर पॉइंट और राइट साइड पिलर को मानिए, और इन दोनों बीच के अंदर आपकी ये टार रोड दिखेगी। तो इसका मतलब है आपकी कार जो है पूरी रोड के अंदर जमी हुई है, ठीक है। एक ही कार जा सकती है इस रोड के अंदर, और उसके साथ साथ वहाँ पर एक कार भी खड़े हुए है। तो चलिए मैं कैसे जज करता हूँ अपनी गाड़ी को, यहाँ से देख सकते हो, दिख रही है ना व्यू आपको अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए मैं निकल रहा हूँ आराम से, बिल्कुल आराम से चलिए, कोई डरने की बात नहीं है, आराम से चलिए। ये देख सकते हो आप, अब मेरी गाड़ी को इस टाइप के रोड के अंदर निकालनी होगी। तो यहाँ पर भी मुझे गाड़ी है और राइट साइड को भी एक गाड़ी है, तो मैं आराम से निकलता हूँ यहाँ पे। आप बिल्कुल शांत रखिए माइंड को, थोड़ी सी लेफ्ट को लीजिए, क्योंकि पिलर को रेफरेंस लीजिए, थोड़ी सी लेफ्ट लीजिए और पिलर देखिए, यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सेफ डिस्टेंस है। थोड़ी सी आपकी गाड़ी आगे जाने के बाद आपको ओवर वे में रेफरेंस लो, मतलब वो गाड़ी मेरे गाड़ी से कितनी बाहर है आप देख लो यहाँ पे। तो निकल गई है मेरी गाड़ी, डोंट वरी, ऐसे ही आपको गाड़ी को लेके आगे जाने होती है, आगे लेके जानी होती है। अगर एक और गाड़ी है यहाँ पे, पिलर का रेफरेंस मानिए, सेंटर पॉइंट का रेफरेंस देखिए, तो थोड़ी सी मुझे राइट लेनी होगी, राइट लीजिए, आराम से चलिए, पिलर का रेफरेंस लीजिए, पिलर क्रॉस कर चुकी है, मतलब इसका मतलब है आगे की बोनट भी क्रॉस हो गई है। तो ओवर वे में कन्फर्म कर लो, जाने के बाद मेरी गाड़ी की डिस्टेंस कितनी बची थी आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये लीजिए, हमने वो सिचुएशन पार करके आ गए हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए एक ट्यूटोरियल थी दोस्तों, क्योंकि मैं आगे, अगर आपको अभी भी डिफिकल्टी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो ट्राई करेंगे कुछ और व्यू के साथ। लेकिन आई होप ये टिप आपके लिए पसंद आ गई होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप अपनी गाड़ी की जजमेंट आराम से करने लग जाओगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं जो भी टिप्स बताया हूँ ना, आप अपनी माइंड में रख लो, आपको हेल्पफुल हो जाते हैं ये सब, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे यूजफुल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो कोई भी अगर आपको रिप्लाई तुरंत आपको चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों, वैसे ही आप कमेंट्स करते रहते हो, मैं अगर थोड़ी सी डिले हो जाती है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो ऐसे ही यूजफुल एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।